जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त जय जय महामहेश्वर गौर चंद्र जय विश्वम्भर प्रिय भक्त वृंद जय जय विश्वम्भर गौर भक्त वृंद हे नमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय नमते नवद्वीपे संगे संकीर्तन करे न सदा भक्त संगे संकीर्तन करे सदा द्वार दिया निशा भागे करे न कीर्तन द्वार दिया निशा भागे करे न कीर्तन नरे को न भिन्न लोक जाना प्रवेशिते नरे को न भिन्न लोक जाना एक दिन नाचे प्रभु त्रिवासेर बाड़ी एक दिन नाचे प्रभु त्रिवासेर लुकाइया श्रीवास ससुरी लुकाइया श्रीवास ससुरी ठाकुर पंडित आदि केह नहीं जाने ठाकुर पंडित आदि दियाया छे घरे कोणे मोड़े दियाया छे घरे कोणे लुकाई ले की हाया अंतरे भाग्यना लुकाई ले की हाया अंतरे भाग्यनाई अल्पभाग्य से नित्य देखिते न पाई अल्पभाग्य से नित्य देखिते न पाई नाचिते प्रभु बले घने घन नाचिते प्रभु बले मार आज नहीं के कारण महामहेश्वर श्री गौरचंद्र की जय हो जय हो विश्वंभर प्रिय भक्त वृंद की जय हो। इस प्रकार से विश्वंभर राय नवद्वीप में भक्तों के साथ मिलकर सदैव संकीर्तन किया करते हैं। द्वार बंद करके वे रात को कीर्तन करते थे ताकि कोई बहिर्मुख व्यक्ति वहाँ प्रवेश न कर सके। बहिर्मुख व्यक्ति का अर्थ है कि वो व्यक्ति जो
समझ न सके उस भाव को, है ना, भगवान की भक्ति भावना को, फ्रीक्वेंसी जिसका मैच नहीं करता है, ना, तो वो समझ नहीं पाएगा उस, है ना। तो इसलिए दरवाज़ा बंद, गेट बंद कर देते थे महाप्रभु। तो एक दिन महाप्रभु श्रीवास के भवन में नाच रहे थे। उस समय घर के भीतर श्रीवास की सास छिप कर बैठी हुई थी, है ना। उनकी सास जो है बिना किसी से बताए छिप के बैठ गई थी कोने में। किस लिए? देखने के लिए कि क्या होता है रात में। ठाकुर पंडित आदि को इसके बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं था। वह घर के एक कोने में डोल के पीछे छिप कर बैठी हुई थी। धान रखने का जो होता है ना, उसके पीछे छिप कर बैठी थी। अपने को छिपाने से क्या होता है? वास्तव में तो उनका भाग्य ऐसा नहीं था। अल्प भाग्य से यह नृत्य को देखने को नहीं मिलता है। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए, भगवान का नृत्य देखने के लिए क्वालिफिकेशन। तो चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, है ना। करते करते बार बार कहने लगते हैं, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि क्या कारण है आज मुझ में नृत्य का उल्लास नहीं हो रहा है। रोज नृत्य करता हूँ तो उल्लास होता है, लेकिन आज उल्लास नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, है ना। सर्वभूत अंतर्यामी प्रभु तो सब कुछ जानते थे, उनको तो सब पता है कि कौन छुप कर देख रहा है। फिर भी उन्होंने कुछ न कहकर रहस्य बनाए रखा। प्रभु बारंबार नृत्य करते हैं और कहते हैं, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, क्या कोई किसी स्थान पर छिपा हुआ है? ऐसे बार बार बोल रहे हैं, कोई कुछ छिपा हुआ है कहीं पे। सभी लोगों ने सारे भवन को ढूंढा और श्रीवास ने भी अपने आप पूरे घर की तलाशी ली। ढूंढने के बाद सभी ने कहा, दूसरा तो और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं। फिर भी प्रभु श्री सचिनंदन का उल्लास नहीं बढ़ रहा था। प्रभु ने फिर एक बार नृत्य बंद करके कहा, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, लगता है आज मैं कृष्ण की कृपा से वंचित हो गया हूं। क्या बोले? लगता है कि आज मैं कृष्ण की कृपा से वंचित हो गया हूँ। यह सुनकर महाभय से सभी भागवत गण चिंता करने लगे, हमारे अतिरिक्त यहाँ और कोई नहीं है, हो सकता है कि हमसे ही कोई अपराध हुआ हो जिसके कारण प्रभु अपने हृदय में आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा श्रीवास ठाकुर फिर अपने घर में गए दोबारा चेकिंग के लिए और देखा कि उनकी सास छिप कर बैठी हुई है, है ना। श्री कृष्ण आवेश में महामत ठाकुर पंडित को अपना बाह्य ज्ञान नहीं था। उस समय रिलेशन का उनको याद नहीं था, उनको बस यही ध्यान रहता कि महाप्रभु को दिक्कत हो रही है और तब से ये छिप के बैठी है, महाप्रभु को परेशानी हो रही है ना। उसमें किस बात का अहंकार हो सकता था, विशेष करके प्रभु की बात से उनका शरीर कांप रहा था। अतः उन्होंने आज्ञा देकर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी सास को बाहर करवा दिया, है ना। ला बाहर जाइए, है ना, महाप्रभु को दिक्कत हो रहा है ना, सास की एंट्री बाहर, छुप के नहीं, है ना। महाप्रभु क्या बोले? क्वालिफिकेशन मिसअंडरस्टैंड कर जाएगी ना। इस घटना को कोई नहीं जान पाया,
केवल प्रभु ही जान सके। समझ में आया ये लीला कि कितना स्ट्रिक्ट थे महाप्रभु, किसी को जो व्यक्ति के भक्ति भावना दृढ़ नहीं था उसको महाप्रभु अलाउ नहीं करते थे संकीर्तन में, श्री वासांगन कीर्तन में। प्रभु कहने लगे अब हृदय में उल्लास हो रहा है। श्रीवास पंडित भी हंसकर कीर्तन करने लगे। महा आनंद सहित कीर्तन का कोलाहल गूंज उठा और वैष्णवजन खूब हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। महाकुतूहली गौर सिंह नृत्य कर रहे थे और महाबल नित्यानंद उनको संभालते हुए घूम रहे थे। श्री चैतन्य लीला को कौन देख सकता है, इसे देखने में केवल वही समर्थ होता है जिसे प्रभु अधिकार प्रदान करते हैं, है ना। इस प्रकार से श्री गौरचंद्र प्रतिदिन हरि संकीर्तन करते रहते हैं, परंतु सभी लोग उसको देख नहीं रहे हैं। फिर और एक दिन प्रभु को नृत्य करते करते जब उल्लास प्राप्त नहीं हुआ तो वे चारों ओर देखने लगे। एक दिन और वही चीज हुआ, है ना, उल्लास नहीं हो रहा था तो ऐसे देखने लगे चारों तरफ, कोई है क्या। प्रभु बोले आज मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है, कहीं किसी के प्रति मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया है। अपराध से सावधान रहना चाहिए। तो महाप्रभु का स्वभाव से अद्वैत आचार्य चैतन्य गोसाई के भक्त थे। चैतन्य का दासत्व तो छोड़कर उनमें और कोई भाव नहीं था। प्रभु विश्वंभर जब सिंहासन पर विराजमान होकर सबके मस्तक पर अपना चरण अर्पित करते थे, जब ठाकुर अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते थे, तब अद्वैत आचार्य सुख सागर में बहने लगते थे। प्रभु जब कहते अरे नाड़ा तू मेरा दास है, तब अद्वैत को अनंत उल्लास मिलता था। जो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे अरे नाड़ा तू मेरा दास है, तो किसी को अगर बोला जाए कि तू मेरा नौकर है तो क्या होगा, उसको अच्छा लगेगा, उल्लास होगा या दुख होगा? भौतिक संसार में अच्छा नहीं लगता है ना। लेकिन अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार है, है ना, तो महाविष्णु को बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या तू मेरा दास है, और उनको बड़ा आनंद आ रहा है इसमें उल्लास, क्योंकि अहंकार नहीं है ना। अहंकार के कारण क्या लगता है, अहंकार को ठेस पहुंच जाती है ना। गौरांग तत्व अचिंत्य है, यह समझ में नहीं आता है। उसी क्षण ऐश्वर्य का प्रकाश करते करते ही प्रभु ने सभी वैष्णवों के चरण छूना आरंभ कर दिया। अभी क्या बोल रहे थे तू मेरा दास है, और अगले ही क्षण क्या करने लगे, पांव छूने लगे सबके। वे दांतों में तिनका लेकर क्रंदन करने लगे और कहने लगे हे कृष्ण हे मेरे बाप तुम ही मेरे जीवन हो। उन्होंने ऐसा क्रंदन किया कि पत्थर भी पिघल जाए। जब रोने लगे तो ऐसा लगा जैसे पत्थर पिघल जाए। महाप्रभु का रोदन निरंतर दास भाव में प्रभु क्रीड़ा करते रहते थे। दसने धरिया तृण करए क्रंदन कृष्ण रे बाप रे तुई मोहर जीवन। जब हम लोग कृष्ण कीर्तन करते तो लगता है भगवान देख रहे हैं, आपको लगता है ऐसा मुड़ के देख रहे हैं इसे? देखिए देखिए
ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ऐसे देख रहे हैं, है ना? इसमें एक्चुअली ऐसा है, है ना? हम उस साइड पे चले जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है, वहाँ पे लग ऐसा है, है ना? आप कहीं भी जाइए भगवान आपको देखेंगे। कृष्ण मोर प्राणाधान, कृष्ण मोर धर्म, तुम्हारा मोहार भाई, बंधु जन्म जन्म। ए मन क्रंदन करे पाषाण विदारे, मन निरंतर दास्य भावे प्रभु के लिए करे, खंडिले ईश्वर भाव सबाकार स्थाने, खंडिले ईश्वर भाव सबाकार स्थाने, असर्वज्ञ हीन प्रभु जिज्ञासे अपने, असर्वज्ञ हीन प्रभु जिज्ञासे छुनी चांचल्य मुई उपाधिक करो, छुनी चांचल्य मुई उपाधिक करो, बलि हम हरे जे न से छाड़े मारो, बलि हम हरे जे न से दास बहियार नहीं अन्य गति, दास बहियार नहीं अन्य गति, बुझ मोहर पाछे है यार मती, बुझ मोहर पाछे है यार भय सब वैष्णव करे न संकोचान, भय सब वैष्णव करे न संकोचान, हे न प्राण नहीं कारो करिबे कथन, हे न प्राण नहीं कारो करिबे कथन, मत जखन अपने आज्ञा करे, मत जखन अपने आज्ञा करे, तखन से चरण स्पर्शित सबे पारे, तखन से चरण स्पर्शित सबे पारे, निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, निरंतर दास्य भावे वैष्णव देखिया, चरणे रेणु लय संभ्रमे उठिया, चरणे रेणु लय ते वैष्णव सब दुख पाए माने, वैष्णव सब दुख पाए माने, अतएव सबारे करे आलिंगने, अतएव सबारे करे आलिंगने। उन्होंने ईश्वर भाव को त्याग दिया और भगवान ने सभी वैष्णवों का चरण छूना,
आरंभ कर दिया। दांतों में तृण लेकर क्रंदन करने लगे और कहने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, तुम ही मेरे जीवन हो। उन्होंने ऐसा क्रंदन किया कि पत्थर भी पिघल गया। हम लोग रोएंगे तो पत्थर पिघलेगा? भगवान जब रो रहे हैं तो पत्थर भी पिघल जाए, असल मतलब पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाए, कहने का अर्थ ये। महाप्रभु जब प्रेम के आवेश में आते थे तो उनका शरीर इतना तप्त हो जाता था, तपने लगता था। अलारनाथ गए थे ना आप लोग? जगन्नाथपुरी के बगल में अलारनाथ एक जगह है, महाप्रभु जब वहाँ गए तो कृष्ण से जो विरह था उसमें उनका शरीर ऐसे जल रहा था इतना, है ना। तो वहाँ पर जाकर भगवान को ऐसे दंडवत प्रणाम की, पूरा एकदम गिर कर ऐसे। तो जो पत्थर था नीचे रखा हुआ था वो पत्थर पिघल गया, निशान बन गए। आज भी वो पत्थर रखा हुआ है महाप्रभु वाला, तो गड्ढे बने हुए अलारनाथ में है। हम लोग गए थे इस बार तो देखे थे। माता जी आपने भी देखा था ना वो पत्थर अलारनाथ का, महाप्रभु वाला। महाप्रभु जब गिरे थे तो शरीर की गर्मी से पत्थर पिघल गया था। प्रेम के कारण हम लोग सुनते हैं कि पत्थर पिघल जाता है, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं है ना कैसे पत्थर पिघलता है। लेकिन महाप्रभु पिघला देते थे। जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे महाप्रभु, तो इसे खंभे पर ऐसे हाथ रख के दर्शन करते थे, उंगली, तो इतना गर्म हो जाता शरीर उंगली से। तो उस खंभे में, गरुड़ स्तंभ में उनके उंगलियों के निशान है आज भी। अब देखा था ना, दीवार के किनारे भी था, दीवार किनारे ऐसे ऐसे दीवार पर हाथ रख के ऐसे दर्शन करते थे भगवान के। तो दो उंगलियों के निशान अभी भी बने हुए हैं वहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में, पुरी में। एक बार महाप्रभु है ना चटक पर्वत गए थे ना, चटक पर्वत टोटा गोपीनाथ, जिस विग्रह में महाप्रभु विलीन हो गए लास्ट में। तो वहाँ पे उन्होंने देखा क्या, छोटा सा ऊंचा पहाड़ जैसा था, उसको देखकर उनको गोवर्धन की याद आ गई, गोवर्धन। फिर ढूंढने लगे कृष्ण को, कहाँ गए कृष्ण। तो ज़मीन में चारों तरफ देखे तो कहीं नहीं दिखाई दिए, तो ज़मीन खोदने लगे। उनको लगा ज़मीन के नीचे चले, खोदने लगे हाथों से। तो जब पूरा खोदते खोदते वहाँ से एक मूर्ति निकल गई भगवान की, वही मूर्ति है टोटा गोपीनाथ, जिस मूर्ति में महाप्रभु प्रविष्ट हो गए। वो मूर्ति खोदते खोदते ज़मीन से निकाल दिया महाप्रभु ने। निरंतर दास्य भाव में प्रभु क्रीड़ा करते रहे। जब अपना ईश्वर भाव दूर हो गया तब प्रभु असर्वज्ञ अल्पज्ञ जीव की भांति पूछने लगे, मैंने कोई औपाधिक चंचलता तो नहीं की है? आप सब मुझे बताइए, यदि मैंने ऐसा किया हो तो इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। मतलब किसी को इंसल्ट तो नहीं कर दिया मैंने, कुछ दास तो नहीं बोल दिया किसी को, नाड़ा तू मेरा दास है ऐसे तो नहीं बोला किसी को। नहीं, चंचलता है मतलब औपाधिक चंचलता, मतलब डेजिग्नेशंस के कारण कई बार व्यक्ति चंचलता कर देता है ना, डेजिग्नेशन के कारण, है ना। क्या डेजिग्नेशन है बताइए सर मंगलवार को? अपने पोजीशन का
यूज करते हुए किसी का मजाक उड़ा देना है या। हाँ, अपने पोजीशन, कोई बड़ा पोजीशन पे है और उसके कारण किसी का मजाक उड़ा देना है ना। सो कई बार होता है ना व्यक्ति अहंकार में, है ना, अपने से किसी नीचे व्यक्ति का इंसल्ट कर देगा कुछ, है ना, हंसी उड़ा दे, है ना। तो महाप्रभु वही बोल रहे हैं कि मैंने किसी का, किसी के साथ चंचलता तो नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया तो इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए। कृष्ण मेरे प्राण धन है, कृष्ण मेरे धर्म है, तुम सब जन्म जन्म के मेरे भाई बंधु हो। क्या जन्म जन्म, जन्म जन्म के भाई बंधु। कृष्ण दासी को छोड़कर मेरी अन्य कोई गति नहीं है, तुम सब मुझे समझाते रहना, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को समझाते रहना, सुधारते रहना, बताते रहना, है ना। आप लोग देखिए कितने विनम्र हैं, पीछे मेरी अन्य विपरीत मति ना हो जाए, कहीं दिमाग खराब ना हो जाए मेरा, इसलिए मैं अगर भटकूँ इधर उधर तो मेरे को समझाते रहना, करेक्ट करते रहना, ऐसे महाप्रभु बोलते हैं, मतलब अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। यह सुनकर सभी वैष्णव डर के मारे चुप हो गए, किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई कुछ कह सके। इस प्रकार से सब जब प्रभु अपने आप आज्ञा प्रदान करते थे तभी सब लोग उनके चरण स्पर्श कर सकते थे, परंतु जब प्रभु निरंतर दास्य भाव में रहते थे तब वैष्णवों को देखते ही वे संभ्रम सहित उठकर वैष्णवों के चरण की धूली ग्रहण करते थे। दास्य भाव में जब आ जाते थे भक्त के भाव में तो वैष्णवों के चरण से धूल उठाकर अपने मस्तक पर धारण करते थे। तो जिस वैष्णव के चरण से धूल उठाते थे तो उसको बड़ा दुख होता था कि देखो भगवान जो है क्या कर रहे हैं, ये हैं मेरे चरण की धूल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों करते थे। सही, भगवान खुद ही दास भाव में है अभी। हाँ, विनम्रता है ना, भक्त का हृदय विनम्र होना, इतना विनम्र होता है, एक कभी क्षण लगेगा इतना भगवान जो है वो, उनको कभी लग रहा है मैं भगवान हूँ, जब भक्त के भाव में होते तो लगता है मैं सबसे ज़्यादा अयोग्य आदमी हूँ, सब लोग मुझसे अच्छे हैं, है ना, सब लोग मुझसे अच्छे हैं, मुझसे उत्तम है, ऐसे लगता है ना, मुझसे खराब कोई नहीं है इस संसार में, ये भावना रहती है ना। यह देखकर प्रभु फिर सबको अपने गले लगा लेते थे ना, देखते कि वैष्णव मतलब दुखी हो रहे हैं, धूल ले रहा हूँ उनके चरण से तो है, तो सब गले लगा लेते थे। श्री अद्वैत के प्रति प्रभु सदैव गुरु बुद्धि रखते थे, गुरु बुद्धि मतलब हाँ, उनको लगता था कि उनको अपना गुरु जैसा सम्मान देते थे, कहने का थे क्योंकि उम्र में बड़े थे ना, उम्र में बड़े थे और साथ ही साथ ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे, माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ना, इनके गुरु के गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी की समाधि पे गए थे ना, याद है माता जी, रेमुना में माधवेंद्रपुरी की समाधि थी, है ना, तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे अद्वैत आचार्य भी और ईश्वरपुरी दोनों, और ईश्वरपुरी के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से गुरु के भाई हुए तो इसलिए उनको भी गुरु की तरह सम्मान देते थे, तो इसे गुरु बुद्धि बता रहे हैं, है ना।
तो अद्वैत आचार्य जी को गुरु बुद्धि इस, और जब गुरु बुद्धि के कारण अद्वैत आचार्य क्या करते थे, सम्मान करते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे उनको। तो जब रिस्पेक्ट देने के कारण अद्वैत आचार्य को बहुत दुख लगता था, अद्वैत आचार्य को लगता था कि मेरे को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, मैं इनका दास हूँ। और चैतन्य महाप्रभु क्या लगता था कि ये मेरे गुरु के भाई हैं, इसलिए गुरु के समान है। अद्वैत आचार्य अपने प्रभु की साक्षात सेवा तो कर नहीं पाते थे, क्योंकि सेवा नहीं करने देते थे ना, उम्र भी ज़्यादा था और गुरु के भाई थे। तो अद्वैत आचार्य चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु कुछ सेवा करें, लेकिन करने नहीं देते थे। उल्टे प्रभु ही उनके दोनों चरण को पकड़ लेते थे, है ना। जिन चरणों का अद्वैत आचार्य मन में ध्यान करते थे हैं, वे चरण अब साक्षात प्रकट हो गए थे। अद्वैत की यही इच्छा थी कि वे सदैव उन चरणों की सेवा में रहें। वे उन श्री चरणों की साक्षात सेवा तो नहीं कर पाते थे, क्योंकि प्रभु रुष्ट हो जाते थे जब भी सेवा करने का प्रयास करते थे। कौन? अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु रुष्ट हो जाते थे, है ना, रुठ जाते थे, क्या कर रहे हैं आप। फिर भी अद्वैत आचार्य चोरी चुपके जब देखते थे उधर मुंह करके नाच रहे हैं, तो पीछे से उठा के चरण धूली ले लेते थे चुपके से। जिस समय प्रभु भाव आवेश में मूर्छित हो जाते थे, विशेष रूप से कभी 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 महाप्रभु भाव में आके बेहोश होकर गिर जाते थे, उसी समय अद्वैत प्रभु के चरणों के पीछे जाते थे और दंडत होकर चरणों के नीचे गिर पड़ते थे और सिर चरण में लगा के ऐसे पूरा फायदा उठा लेते थे, तथा चरण युगल को प्रेम आश्रु से धो देते थे। वैसे तो जब बेहोश नहीं जागृत रहते थे तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन जब बेहोश हो जाते महाप्रभु तो उसी समय अपने चरण के, उनके चरण को अपने अश्रु जल से धोते थे। और कभी कभी उन्हें पोंछ कर वे अपने सिर पर धारण कर लेते थे। तो कभी षडंग विधान के अनुसार उनकी पूजा करते थे। यह कार्य केवल अद्वैत ही कर सकते थे, जिन्हें प्रभु ने महा महापात्र के रूप में प्रकाशित किया था। इसलिए अद्वैत सभी वैष्णव में अग्रगण्य थे। सभी वैष्णव कहते थे अद्वैत आचार्य धन्य हैं। यही अद्वैत सिंह के एकांत महिमा है कि वे सब वैष्णवों में अग्रगण्य हैं। जो दुष्ट लोग हैं वे इस रहस्य को नहीं जानते हैं। तो एक दिन महाप्रभु विश्वंभर नाच रहे थे और अद्वैत आचार्य जो है आनंद सहित उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। जब अद्वैत ने देखा कि प्रभु मूर्छित हो गए हैं, तब उन्होंने गुप्त रूप से प्रभु के चरण धूली अपने अंग में लेपन की। प्रभु गौर राय अशेष कौतुक जानते हैं, नृत्य करते करते प्रभु को सुख नहीं मिल रहा था, है ना, क्या नाच रहे थे तो सुख नहीं मिल रहा था। प्रभु ने कहा, मेरा हृदय विकसित क्यों नहीं हो रहा है, हृदय खुल क्यों नहीं रहा है आज, किसके अपराध से मेरा चित्त में उल्लास नहीं हो रहा है, मैंने किसी के प्रति अपराध कर दिया है आज, इसलिए मेरे चित्त में खुशी नहीं आ रही है, किसी चोर ने मेरी चोरी कर ली है। क्या चोरी कर लिया मेरे भाव को चुरा लिया किसी ने, तभी तो भाव नहीं आ रहे। कोई कौन है वो चोर, उसी अपराध के कारण मैं नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ आज। क्या किसी ने मेरी चरण धूली ग्रहण की है, महाप्रभु ऐसे पूछे। क्या पूछे, क्या किसी ने मेरी चरण धूली ली है, क्योंकि अगर हमारे चरण को कोई स्पर्श करता है तो क्या होता है, क्या होता है चरण स्पर्श करने से, आप जानते हैं। हाँ, भाव नहीं आता, भक्ति खत्म हो, कम हो जाती है। अगर कोई चरण छू दे और हम उसको
क्योंकि चरण छूने का मतलब क्या है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हम उनसे बड़े हैं, हम उससे महान हैं। अहंकार क्या आएगा, अहंकार आएगा जब कोई हमारा चरण छू रहा है और हम हाँ छू लीजिए, इसका मतलब क्या है, हम बता रहे हैं कि हम आपसे बड़े हैं, अहंकार है ना। जहाँ अहंकार होगा वहाँ वहाँ भाव नहीं आ सकता है ना। तो इसलिए क्या सोचना चाहिए कि मैं सबसे सबसे अयोग्य आदमी हूँ, ये तब जाके भक्ति आए भावना आती है ना। यहाँ जितने लोग हैं उसमें सबसे अयोग्य मैं ही हूँ, लेकिन अयोग्य जैसा काम नहीं करना चाहिए लेकिन, है ना, अयोग्य जैसा काम नहीं करना चाहिए। सबसे योग्य है पर उसको फीलिंग क्या होना चाहिए, मैं सबसे अयोग्य हूँ। बाकी लोग देख पाएंगे नहीं नहीं ये सबसे योग्य है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते, उसको क्या लगता है मैं सबसे अयोग्य हूँ। तो ये भक्ति, तभी भक्ति हृदय में प्रकट होती है, भाव प्रकट होते हैं। तो महाप्रभु जो है वो बोल रहे हैं कि किसी ने मेरा चरण धूलि लिया है तभी मेरा भाव आज गायब लग रहा है। मतलब अनजाने में भी अगर कोई ले लेगा तो भी भाव उड़ सकता है ना। तो इस तरह से है ना, सभी सच सच बताओ। मैं कह रहा हूं चिंता मत करो, मैं डांटूंगा नहीं, कुछ बोलूंगा नहीं, बता दो लेकिन किसने लिया मेरा चरण का धूली। अंतर्यामी प्रभु के वचनों को सुनकर सभी भक्तगण मौन हो गए, कौन बताए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं तो अद्वैत का भय, और नहीं कहते हैं तो वैसे मरते हैं। कहते हैं तो अद्वैत आचार्य का नाम देंगे तो अद्वैत आचार्य को कैसे फंसाएं, और नहीं कहते हैं तो महाप्रभु फंस गए। उनकी दुविधा को समझकर हाथ जोड़ते हुए अद्वैत आचार्य खुद ही आ गए सामने, बोले ये लोग फंस जाएंगे, मैं ही बोल देता हूँ। अद्वैत आचार्य दोनों हाथ जोड़कर बोले, सुनो बाप। क्या बोले, सुनो बाप, यदि चोर को वह वस्तु साक्षात में न मिले तब उनके अगोचर में चोरी कर लेना ठीक है। भाई साक्षात मांग रहे हैं तो मिल नहीं रहा है तो चोरी करके ही लेंगे ना। अद्वैत आचार्य कह रहे क्या भाई, चोर को अगर साक्षात मांगने से नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, चोरी कर लेगा और क्या करेगा। मैंने चोरी की है, मेरा दोष क्षमा कर दीजिए, यदि इसमें आपको असंतोष होता है तो आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना। बोल रहे अगर आपको इसमें दिक्कत होता है तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अद्वैत आचार्य बोले, है ना। तो हमें शिक्षा दे रहे हैं ना यहाँ पे। अद्वैत के वचनों को सुनकर विश्वंभर बड़े क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित, है ना। मतलब ये सिखा रहे महाप्रभु कि ऐसे आसानी से नहीं बांटना चाहिए चरण का धूल, है ना। ले लो सब, मैं बहुत महान आदमी हूँ, मेरा चरण का धूल ले लो सब, है ना। सब लोग आइए अपना उद्धार करा लीजिए मेरे चरण का धूल लेकर, है ना। भगवान के भक्त लोग बड़े विनम्र होते हैं, उनको लगता है कि वो इसके योग्य नहीं है, ऐसे लगना चाहिए फीलिंग। अद्वैत के वचनों को सुनकर विश्वंभर बड़े क्रुद्ध हो गए और क्रोध में ही अद्वैत के महिमा का विस्तार वर्णन करने लगे। तुमने सारे संसार का संहार किया है, क्या फल है, तुमने सारे संसार का संहार किया है, फिर भी उसके प्रतिकार की तुम्हारे चित्त में कुछ भी चिंता नहीं है। सारे संसार का संहार करने के बाद एक मैं रह गया हूँ, मेरा भी संहार करके तुम सुख से रहना। ऐसा क्यों करे, संसार का संहार किया है, शिवजी संहार करते हैं। हाँ शिव जी का अवतार है ना, सदाशिव, सदाशिव और महाविष्णु दोनों के मिक्स अद्वैत आचार्य हैं। बोले तुमने सदा संसार का संहार करते हो, अब मेरा संहार करने चाहते हो तुम, मेरा संहार मतलब भक्ति, मेरी भक्ति नष्ट करना चाह रहे हो, मेरा चरण धूली लेकर मेरी भक्ति तुम चुरा रहे हो, हैं।
तपस्वी, सन्यासी, योगी, ज्ञानी आदि नामों से जिनकी ख्याति है, उनमें से किसका तुम त्रिशूल से संहार नहीं करते हो? बताओ, सबको मार देते हो त्रिशूल से सदाशिव। जब तुम्हारे निकट कृतार्थ होने के लिए आते हैं, तुम उनके चरण स्पर्श करके उनका संहार करते हो। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव तुम्हारे चरण वैभव का दर्शन करने को आया, परंतु तुम्हारे दर्शन कर उसे विष्णु भक्ति तो मिली नहीं, उल्टे तुमने उसकी चिरंतन शक्ति, पूर्व शक्ति का ही संहार कर दिया, उसके चरण रज लेकर उसे नाश कर दिया। संहार करने में तुम परम निर्दयी हो। अनंत ब्रह्मांड में जितना भी भक्ति योग वर्तमान है, वह सब कृष्ण ने तुम्हें प्रदान कर दिया है, फिर भी तुम क्षुद्र स्थान पर चोरी करते हो। मतलब सब भक्ति तो अपने पास रखते हो, और जिसके अंदर कोई भक्ति नहीं है उसका चरण धूलि लेकर चोरी कर रहे हो। उस छोटे का संहार करते समय तुम्हारे हृदय में दया नहीं होती है? मतलब मैं छोटा हूँ, तुम्हारे अंदर ज़्यादा भक्ति है, तुम मेरा चरण धूलि लेके मेरे को और मेरा संहार कर रहे हो। तुम बड़े डकैत हो, चोरों में तुम महाचोर हो, तुमने मेरा प्रेम सुख चुराया है। क्या चुराया है? प्रेम सुख चुराया है। इस प्रकार छल के माध्यम से प्रभु ने सुसत्य वचनों को प्रकाशित किया, जिन्हें सुनकर भागवत गुण आनंद में विभोर हो गए। तुमने चोरी की है, क्या मैं नहीं कर सकता हूं तुम्हारी चोरी? तुम मेरी चोरी कर लिए, मैं तुम्हारा चोरी कर लूंगा है? मैं भी कर सकता हूं तुम्हारा चोरी। देखो, मैं चोर के ऊपर चोरी करने में निपुण हूं, मैं चोर का भी चोरी कर लेता हूं। इतना कहकर प्रभु ने अद्वैत आचार्य को पकड़ लिया और हंसते हुए उनके चरण की धूली उठाने लगे, लूटने लगे। बोले, तुमने मेरा चोरी किया, मैं तुम्हारा चोरी करूंगा। उनके चरण को से धूल उठा के अपने मस्तक पर लगाने लगे, है ना? तो बराबर हो गया ना भैया, आपने मेरा चुराया, फिर मैंने आपको चुरा लिया। टेम्परेचर बराबर, ठंडा पानी और गर्म पानी जब मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? सब पानी के टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, कॉमन टेम्परेचर। इतना महाबली गौर सिंह के साथ अद्वैत आचार्य समर्थ नहीं हो सके, भाग तो रहे थे वो, लेकिन महाप्रभु जबरदस्ती पकड़ के चरण धुले, और प्रभु अद्वैत चरणों को अपने सिर पर घिसने लगे। अद्वैत जो तरह चरण पकड़ के अपने सिर पर एकदम उठा के घिसने लगे ऐसे, अपने वक्ष पर उनके चरणों को धारण करते हुए अद्वैत से कहने लगे, देखो, मैंने चोर को अपनी भुजाओं में बांध लिया है। चोर 100 बार चोरी करता है, पर गृहस्थी जिसकी चोरी हुई है वह एक ही बार में सबका उद्धार कर लेता है। मतलब अगर हमारी चरण की धूली कोई ले लेता है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? किसी तरह से उसके चरण का धूली लेंगे, है ना? ऐसे यही उसका उपाय है, है ना? अद्वैत ने कहा, आपने सच कहा है, आप गृहस्थी हैं, इस विषय में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरे प्राण, बुद्धि, देह, मन सब कुछ आपका है। हे प्रभु, आपके संहार करने पर कौन रक्षा कर सकता है? आप ही हर्ष के दाता हैं, आप ही संताप प्रदान करते हैं। आपके दंड देने पर किसकी शक्ति है जो बचा सके? हे प्रभु, आपके चरण रूपी धन प्राणों का दर्शन करने के लिए नारद आदि द्वारका नगर जाते हैं, आप उन सबकी चरण धूलि ग्रहण कर लेते हैं। हे प्रभु, वे क्या करें? वही मैं कर कह रहा हूँ, मेरी भी मजबूरी है। नारद जी जाते थे जब द्वारका, क्या करते थे भगवान बताइए? हाँ, नारद जी को बैठा देते थे, बैठिए सोफा पे बैठिए, भगवान नीचे बैठ जाते थे, हैं, और पत्नी को बोलते थे पानी लाइए, पानी नीचे रख के नारद जी के चरण उसमें रख के उसको अपने हाथों से धोते थे नारद जी के चरण भगवान। और नारद जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था भगवान से चरण धुलवाने के अलावा, क्या कर सकते हैं, है ना? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तो बिल्कुल बहुत गलत बात है ये।
अपने आचरण से शिक्षा देते हैं, है ना, क्या कि महान संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए, आचरण से शिक्षा देते हैं ना। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य के घर गए, है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो चरण धोने का सब कल्चर है नहीं, तो जाके बैठ गए सोफा पे, बोले उनको, बोले थोड़ा जाओ पानी लेके आओ, प्लेट में पानी लेके आओ थाली में, तो समझ गए पानी क्यों मंगा रहे हैं, बोले नीचे रखो, बैठो नीचे। तो बैठ गया नीचे, तो उसमें पानी में पैर रख दिए, बोले अब धो, उसके बाद बोले धो, फिर धोया, उसके बाद बोले अब इसको ना अपने मस्तक पे डालो, पूरे घर में चारों तरफ छिड़क लो। फिर प्रभुपाद बोले देखो, है ना, ये इंडियन कल्चर है, तो कि तुम लोगों को पता नहीं है, मले छो तुम लोगों को पता नहीं है, इसलिए सिखाना पड़ता है, है ना। हालांकि प्रभुपाद को ऐसा नहीं था कि उनके चरण धोए कोई, पर शिक्षा देने के लिए, क्या करने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। गुरु नहीं सिखाएगा तो कौन सिखाएगा, इसलिए कई बार गुरु अपने आचरण से सिखाने के लिए सम्मान लेता है ना, कई बार ऐसा करना पड़ता है। लेकिन गुरु को ऐसे करते समय हृदय में क्या रहता है, हृदय में बहुत ग्लानी होती है ना, उसको लगता है मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे आप, हे प्रभु, आपके चरण रूपी धन प्राणों का दर्शन करने के लिए नारद आदि द्वारका नगर में जाते हैं। उस तरह से सुदामा विप्र जब गए थे तो क्या किया था भगवान ने, उनके चरण धोए थे। आप उन सबकी चरण धूली ग्रहण कर लेते हैं, हे प्रभु, वे क्या करें। उसी तरह से मैं भी मजबूर हूँ आप आचरण सिखाने के लिए, मेरा चरण धूली ले रहे, और मैं आपसे लड़ाई कर नहीं सकता, परम भगवान हैं आप। आप ही जब अपने सेवक का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं तो सेवक क्या करे, आप स्वयं इसके बारे में विचार करके देखिए। चरण धूलि ग्रहण करने के बाद तो दूर, ऐसा कौन है जो आपके आदेश का पालन ना करे, फिर भी आप जो ऐसा करते हैं यह आपकी ठकुराई नहीं है। मेरे तो प्राण जा रहे हैं और आपको आनंद हो रहा है, आप रखें या संहार करें, यह देह आप ही का है, हे प्रभु, आपकी जो इच्छा हो वही कीजिए, है ना। विश्वंभर बोले, तुम भक्ति के भंडारी हो, भोले भंडारी बोलते ना, भोले भंडारी किस चीज के भंडारी हैं, भक्ति के भंडारी, इसी कारण मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करता हूँ, हैं, सारे अंगों में तुम्हारे चरणों की धूलि का लेपन करने से पुरुष कृष्ण प्रेम के आनंद जल में बहने लगता है। तुम्हारे भक्ति प्रदान नहीं करने पर किसी को भी भक्ति नहीं मिलती है, मैं तुम्हारा ही हूँ यह तुम अच्छी तरह से जान लो, तुम मुझे जहाँ बेचोगे मैं वहीं बिक जाऊँगा, यह सत्य है और मैंने इसे तुम्हारे निकट भी व्यक्त कर दिया है। अद्वैत के प्रति प्रभु की कृपा का वैभव देखकर सभी वैष्णव इस अपूर्व महिमा के बारे में चिंतन करने लगे। इस महापुरुष ने सचमुच ही प्रभु की सेवा की है, इस कृपा के अणु मात्र के साथ कोटि कोटि मोक्षों की भी तुलना नहीं की जा सकती है। श्री गौरांग राय ने जो कृपा अद्वैत पर की है, कदाचित शंकर को भी वैसी ही कृपा मिली होगी। ऐसे भक्तों के संग से हम भी भाग्यवान हैं, आओ उन जैसे भक्तों की पद धूलि का लेपन हम भी सारे अंग में कर ले। चलो, बोले हम लोग भी फायदा उठा लेते इसी टाइम पे, महाप्रभु ले ही रहे हैं। हर्ष के साथ अद्वैत को महान भक्ति के रूप में संबोधित करने पर सभी पापियों को अपने अपने कर्म दोष के कारण दुख मिलता है। उस समय जो बात हुई वह सब सत्य है, जो वैष्णव वाक्य को नहीं मानता वह क्षय को प्राप्त होता है। प्रभु विश्वंभर हरि बोल बोलकर उठे और सभी अनुचर चारों ओर से उनको घेर कर कीर्तन करने लगे।
अद्वैत आचार्य महा आनंद में विह्वल हो गए एवं सब कुछ भुलाकर महामत्त होकर नृत्य करने लगे। शांतिपुर नाथ अद्वैत आचार्य दाढ़ी में हाथ डालकर तर्जन गर्जन करते हुए भौं उठाकर नाचने लगे। सब दाढ़ी था उनका। सभी महा आनंद सहित दिन रात जय कृष्ण गोपाल गोविंद मनवाली क्या गोविंद बनमाली गाकर कीर्तन करने लगे। नित्यानंद महाप्रभु यदि परम विह्वल हो रहे थे तब भी चैतन्य नृत्य में परम कुशल थे। मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन करते थे प्रसाद ही साथ, जय कृष्ण गोपाल गोविंद बनमाली है ना, ये भी करते थे बीच में मिक्स करते थे। तब भी वे चैतन्य नृत्य में परम कुशल थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर निपुणता के साथ नृत्य करते हुए महाप्रभु चारों दिशाओं में घूम रहे थे है ना। नृत्य करते करते श्री चैतन्य जब भूमि पर गिर जाने को होते तो महाबल नित्यानंद उनको संभाल लेते। अंतहीन आवेश में श्री गौरांग राय जो नृत्य कर रहे थे उसका वर्णन करने की शक्ति किस जिह्वा में है। उस समय सरस्वती के साथ ठाकुर बलराम भी जी भर कर कीर्तन कर रहे थे। क्षण में महाप्रभु मूर्छित हो जाते और क्षण में उनके सारे अंग में महाकंप दिखाई देने लगता। एक क्षण में वे हाथ में तृण धारण कर लेते और दूसरे क्षण महा अहंकार करने लगते। वे क्षण में हंसते, क्षण में लंबी सांसें लेने लगते, क्षण में कभी रस रहित हो जाते। इस प्रकार महाप्रभु के आवेश का प्रकाश होता रहा। क्षण में ठाकुर बिरासन में विराजित होते और बीच बीच में महा अट्टहास करने लगते है ना। बिरासन मतलब है बिरासन है ना। महाप्रभु भाग्य के अनुसार सभी पर कृपा कर रहे थे। सभी वैष्णव आनंद के सागर में डूबे हुए थे। प्रभु गौरांग श्रीहरि ने अपने सामने शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को देखा। किसको देखा? नया नाम आ गया अभी, पहले सुने थे कि नाम शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी सुने थे। कितना सुने थे बताइए, क्या सुने थे शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी पहले क्या सुने थे इनके बारे में बताइए। पहले बताया जा चुका है, कुछ लीला हुई है इनसे, इनसे इनके नाम से आदि खंड में। जब मीटिंग हुआ था इनके घर पे, जब पहली बार आए थे, हाँ गया से जब आए थे तो इन्हीं के घर में मीटिंग हुआ था ना। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी को देखा और उन पर अनुग्रह किया, कृपा किया। अब उन शुक्लाम्बर के बारे में कुछ सुनो। अब शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु ने जहाँ जन्म लिया था वहीं नवद्वीप में शुक्लाम्बर रहते थे। कहाँ रहते थे? नवद्वीप में। परम स्वधर्मरत, परम सुशांत, परम महांत को कोई पहचान नहीं पाता है। कंधे पर झोली लेकर नवद्वीप के घर घर में वे भिक्षा करते थे। ब्रह्मचारी थे तो, और दिन रात कृष्ण कहकर क्रंदन करते रहते थे। लोगों ने उनको केवल मात्र एक भिखारी समझ रखा था। भीख मांगते तो लोग सोचे भिखारी है कोई, इतना वैल्यू नहीं देते थे। वास्तविकता का उन्हें पता नहीं था। वे गरीबी के अंतिम स्तर पर थे और भिक्षा के लिए पर्यटन करते थे। उन ब्राह्मण को दिन भर की भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसी को भोग लगाकर कृष्ण को निवेदित करते हुए जो अवशिष्ट भाग को वे ब्राह्मण ग्रहण कर लिया करते थे। कृष्ण आनंद के अनुग्रह से उन्हें दरिद्रता का बोध नहीं होता था। सभी घरों में जाकर वे कृष्ण कहकर भिक्षा किया करते थे।
चैतन्य की कृपा पात्र को कौन पहचान सकता है? चैतन्य कब किस पर अनुग्रह करते हैं कौन जानता है? विष्णु भक्तिधर शुक्लाम्बर ऐसे ही दरिद्र थे जैसे सुदामा ब्राह्मण कृष्ण लीला में दरिद्र थे। चैतन्य के नृत्य करते समय शुक्लाम्बर घर के भीतर ही रहते थे, कंधे पर झोली लिए विप्र शुक्लाम्बर महा आनंद में नृत्य कर रहे थे। यह देखकर सभी वैष्णवों के साथ प्रभु हंसने लगे। ईश्वर के आवेश में प्रभु बैठे हुए थे और शुक्लाम्बर भिक्षा की झोली कंधे पर लेकर नृत्य कर रहे थे, क्रंदन कर रहे थे और हंस रहे थे। शुक्लाम्बर को देखकर कृपामय गौरांग प्रभु ने दयापूर्वक उनसे कहा, आ जाओ आ जाओ, तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो। क्या बोले? तुम मेरे जन्म जन्म के दरिद्र सेवक हो, गरीब। मुझे सब कुछ देकर तुम भिक्षुक धर्म अपनाए हुए हो, तुम्हारे पास जो भी रहता है सब मुझे दे देते हो और खुद भिक्षुक बन जाते हो। हर पल मैं भी तुम्हारी सामग्री चाहता रहता हूँ, तुम्हारे द्वारा न दिए जाने पर भी मैं बलपूर्वक तुमसे छीन कर खाता हूँ। कब खाए थे बलपूर्वक छीन के? सुदामा का, सुदामा के छुपा के लगे थे ना, भगवान जबरदस्ती छीन के खाए थे, वही बता रहे हैं बलपूर्वक छीन के खाता हूँ। मैंने द्वारका में तुम्हारा खुद चावल का कण छीन कर खाया था, भूल गए? शुक्लाम ब्रह्मचारी किसके बता रहे? सुदामा जी के। उस समय कमला ने मेरा हाथ को पकड़ लिया था। किसने? कमला, कमला मतलब लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी देवी ने हाथ पकड़ लिया था ना भगवान का, आप जानती है बात क्या? हाथ पकड़ लिया था। क्यों हाथ पकड़ा था? भगवान सब कुछ दे रहे थे, रुक्मिणी को भी दे देते पूरा। नहीं, रुक्मिणी देवी को लगा कि ज्यादा खाएंगे चूड़ा तो पेट खराब हो जाएगा, इनका खाने लायक नहीं है। क्योंकि भगवान रुक्मिणी जी मतलब राजा थे ना द्वारकाधीश, तो उनको तो भाव में ध्यान नहीं है क्या खा रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी जी देख रहे हैं कि इतना ये खाने लायक चूड़ा थोड़े है। आपका भी पॉइंट सही है। उस समय कमला ने मेरा हाथ को पकड़ लिया था। इतना कहकर विश्वंभर शुक्लाम्बर की झोली के भीतर हाथ डालकर मुट्ठी भर भर कर चावल निकाल निकाल कर चबाने लगे। उसी भाव में आ गए, समझे बात को? उसकी झोली में जो भी चावल था वो निकाल निकाल के चबाने लगे। इन चावलों में बहुत सारे चावल कण विद्यमान थे। प्रभु बोले, तुम्हारे चावल कण मैं खाता हूँ, किंतु अभक्तों के अमृत को भी मैं पलट कर नहीं देखता। भगवान बोले, तुम्हारे चावल भी खा लेता हूँ और अभक्त लोग अगर मेरे को अमृत भी दे दें तो भी उनका नहीं लेता हूँ मैं। भक्तों का जीवन स्वतंत्र और परम आनंदमय होता है। प्रभु तंडुल चबा रहे हैं, कौन रोके उनको? प्रभु का करुणापूर्ण व्यवहार देखकर सभी भक्तजन सिर पर हाथ रखकर क्रंदन करने लगे। पता नहीं कौन किस दिशा में गिरकर रो रहा है। प्रभु की करुणा देखकर सभी विह्वल हो गए। उसी समय परम आनंद में कृष्ण का कीर्तन गूंज उठा और बच्चे बूढ़े आदि सभी क्रंदन करने लगे। किसी के दांतों तले तृण था तो कोई नमस्कार कर रहा था और कोई कह रहा था, हे प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ना, हे प्रभु आप मुझे कभी नहीं छोड़ना। बोलिए, सुकृतिवान शुक्लाम्बर लोटपोट हो रहे थे और बैकुंठ के ईश्वर आनंद से तंदुर तबा रहे थे। प्रभु बोले, शुक्लाम्बर शुक्लाम्बर सुनो, मैं सदैव तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ।
तुम्हारे भोजन से मेरा भोजन होता है, तुम भिक्षा को जाते हो तो मेरा पर्यटन होता है, प्रेम भक्ति को वितरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है, जन्म जन्म से तुम मेरे प्रेम सेवक रहे हो, मैंने तुमको प्रेम भक्ति का वरदान दिया है। निश्चित रूप से जान लेना कि यह प्रेम भक्ति मेरा प्राण स्वरूप है। वैष्णव मंडली ने जब शुक्लांबर के वरदान के बारे में सुना तो सभी ने जय हो कहकर हरी ध्वनि की, मारू मैं तुम्हें प्रेम भक्ति का मैंने तुम्हें वरदान दे दिया। लक्ष्मीपति के भृत्य घर घर में जाकर भीख मांगते हैं, कौन ऐसा महाभाग्यवान है जो इस रस के मर्म को जान सके। 10 घरों में से मांग कर विप्र ने तंडुल संग्रह किए थे और उन्हीं तंडुलों को लक्ष्मीपति गौरचंद्र छीन कर खा रहे थे। 10 घर में जाके भीख मांग के जो रखे थे उसको भगवान खा रहे हैं। देखिए जो कौन है, लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति भीख मांगा हुआ भोजन खा रहे हैं। सब लोग लक्ष्मी जी से क्या भीख मांगते हैं और उनके पति जो है भीख मांगा हुआ खाते हैं, ये भी आश्चर्य है ना। विभिन्न मुद्राओं के साथ नैवेद्य प्रदान करने की जितनी भी विधियां हैं उनके बारे में वेद रूप गुण निधि स्वरूप भगवान स्वयं मार्गदर्शन कराते हैं। उन विधियों के बिना वे कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु भक्तों के सामने वे सब प्रतिज्ञाएं अर्थहीन हो जाती है, विधि की जरूरत नहीं पड़ती है उस लेवल के भक्त। शुक्लांबर के तंडुल इसका प्रमाण है। शुक्लांबर ने भोग थोड़े लगाया, मंत्र थोड़े पढ़ा था तो खींच के खा ली। अतः भक्ति सभी विधियों का प्राण स्वरूप है। जितने भी विधि निषेध हैं वे सब भक्ति के अनुगत हैं, इससे जिसको दुख होता है वह विनाश को प्राप्त होता है। अगर ऐसा बोलने से किसी को कष्ट होता है, क्या बोल दिया आपने, ऐसे थोड़े होता है ना? तो क्या हो जाएगा, वो विनष्ट हो जाएगा। जो भक्ति की भावना जिसके अंदर आ गई तो उसको विधि निषेध नियम कानून उस पर अप्लाई क्यों करने का है? सारी विधियों का मूल है भक्ति। स्वयं वेद व्यास ने यह कहा है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोरेव किंकरा। पद्मपुराण रामचंद्र ने इसे साक्षात रूप में प्रकाशित किया है। विप्र ने कोई मुद्रा नहीं दिखाई, मुद्रा मेरे को नहीं आता है। विप्र ने कोई मुद्रा नहीं दिखाई, मुद्रा मतलब ये वाला मुद्रा नहीं, मुद्रा नहीं, उन्होंने अपने आप अर्पण किया, भोग लगाया, प्रभु ले लीजिए, नहीं। फिर भी प्रभु ने बलपूर्वक उन तंडुलों को खाया, यत्नपूर्वक खाया, छीन कर खा लिए, है कि नहीं? ये है भाव भक्ति। जय हो भक्ति देवी। विषयों के मद में अंधे लोग इन सब बातों के मर्म को नहीं जानते हैं। जन्म धन और वंश मर्यादा के अहंकार के कारण ये सब लोग वैष्णव को नहीं पहचानते हैं। वैष्णव को मूर्ख और दरिद्र देखकर जो हंसता है उसकी पूजा रूपी संपदा को कृष्ण कभी स्वीकार नहीं करते हैं। श्री हरि केवल साधुओं के बस में हैं, असत व्यक्तियों की पूजा तक वे ग्रहण नहीं करते हैं, इस सच्चाई को यहाँ दर्शा रहे हैं, है ना। जिन सब धनहीन अर्थात अकिंचन व्यक्तियों के भगवान ही एकमात्र धन है, श्री हरि उस प्रकार के भक्तों के ही प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए वे उन लोगों को ही अपना प्रिय समझते हैं। अतः जो व्यक्ति पांडित्य धन अभिजात एवं कर्म के अहंकार में मत होकर
अकिंचन साधुओं की निंदा आदि करते हैं। श्री हरि उन सब कुमनीषियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। आप समझे बात को? जो साधु संतों की हैं, जो अकिंचन है, अकिंचन मतलब भिखारी हो चुके हैं, सब कुछ त्याग करके आ चुके हैं, भिखारी हो चुके हैं, उनको अगर कोई ये सोचता है कि ये तो गरीब है, ये किसी बोझ है, ये समाज पर कुछ करता नहीं है, ऐसा अगर कोई सोच रहा है तो भगवान बोल रहे हैं कि वो विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण अकिंचनों के प्राण स्वरूप हैं, भगवान को बहुत प्रिय है कौन? जो अकिंचन है, अकिंचन। दरिद्र नारायण वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ, वॉलंटरी अकिंचन हुआ है कहने का अर्थ है, यानी कि जबरदस्ती है, जैसे ही पैसा मिलेगा धनी हो जाएगा, उस अकिंचन की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉलंटरी सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अपना सब कुछ है ना, हे प्रभु ये सब आपका है, वो उस टाइप का अकिंचन। तो ऐसे भक्तों के प्राण हैं भगवान। संपूर्ण वेद इस सच्चाई का कीर्तन करते हैं, साक्षात भाव से श्री गौरांगचंद ने इसे दिखाया है। जो शुक्लांबर के तंडुल भोजन की इस कथा को सुनते हैं, जो शुक्लांबर के तंडुल भोजन की इस कथा को सुनते हैं, उन्हें चैतन्य चरणों में प्रेम भक्ति मिलती है। शुक्लांबर तंडुल भोजन जेई सुने, शुक्लांबर तंडुल भोजन जेई सुने, जेई प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरणे, प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरणे, श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जाना, वृंदावन दास तछु पद जुगे गाना, तो इस प्रकार से 16वां अध्याय श्री चैतन्य भागवत का मध्य खंड में शुक्लांबर तंडुलम भोजनम नाम 16वां अध्याय इति मतलब समाप्त हो गया। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय जय महाप्रभु श्री गौर नित्यानंद सर्व से व्यकलेवर, जय नित्यानंद सर्व से व्यकलेवर, मध्य खंड कथा जेन अमृतेर खंड, मध्य खंड कथा जेन अमृतेर खंड, कथा सुनिले घुचे अंतर पाखंड, कथा सुनिले घुचे अंतर पाखंड, हे नमाते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, नमाते नवद्वीपे प्रभु विश्वंभर, रूपे संकीर्तन करे निरंतर, रूपे संकीर्तन करे निरंतर, जखन करे प्रभु नगर भ्रमण, जखन करे प्रभु नगर भ्रमण,
साक्षात मदन सर्वलोक देखे साक्षात मदन व्यवहार देखी प्रभु जेन दम्भ माय व्यवहार देखी प्रभु जेन दम्भ माय विद्या बल देखी पाखंडियो पाए भय विद्या बल देखी पाखंडियो पाए व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदान व्याकरण शास्त्रे सबे विद्यार आदान भट्टाचार्य प्रतियो नहीं कत्रीण गान भट्टाचार्य प्रतियो नहीं कत्रीण नगर भ्रमण करे प्रभु निज रंगे नगर भ्रमण करे प्रभु निज रंगे गूढ़ रूप था कहे सेवक सब संगे गूढ़ रूप था कहे सेवक सब संगे पाखंडी सकल बोले निमाई पंडित पाखंडी सकल बोले निमाई पंडित तुम्हारे राजा र आज्ञाई से त्वरित तुम्हारे राजा र आज्ञाई से काइया निशा भागे करह कीर्तन लुकाइया निशा भागे करह कीर्तन देखिते ना पाए लोक सापे अनुक्षण देखिते ना पाए लोक सापे नहीं लोक वाक्य संप्रति फलील नहीं लोक वाक्य संप्रति फलील सुहृद ज्ञाने से ही कथा तुम्हारे कहिल सुहृद ज्ञाने से ही कथा तुम्हारे प्रभु बोले अस्तु अस्तु ये सब वचन प्रभु बोले अस्तु अस्तु ये सब वचन मोर इच्छाया छे करो राज दर्शन मोर इच्छाया छे करो राज दर्शन पढ़िलु सकल शास्त्र अल्प वयसे पढ़िलु सकल शास्त्र अल्प वयसे शिशु ज्ञान करी मोरे केह न जिज्ञासे शिशु ज्ञान करी मोरे केह न जिज्ञासे मोरे खोजे हे न जान कोठाओ न पाई मोरे खोजे हे न जान कोठाओ न पाई देवा जन मोरे खोजे मुई ता जाई देवा जन मोरे खोजे मुई ता जाई पाखंडी बोले राजा चाहिब कीर्तन पाखंडी बोले राजा चाहिब कीर्तन ना करे पांडित्य चर्चा राजा से जवान ना करे पांडित्य चर्चा राजा से जवान ज्ञान पाखंडी रे ठाकुर न करे ज्ञान पाखंडी रे ठाकुर न करे
आइले न महाप्रभु आपन मंदिर आइले न महाप्रभु आपन मंदिर महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो। सर्व सिद्ध कलेवर नित्यानंद की जय हो। यह मध्य कथा खंड की कथा अमृत के खंड जैसी मधुर है। इस कथा को सुनने से हृदय का पाखंडी भाव दूर हो जाता है। इस प्रकार प्रभु विश्वंभर गुप्त रूप से नवद्वीप में निरंतर संकीर्तन किया करते थे। जब प्रभु नगर में भ्रमण करते थे तब सभी लोग साक्षात कामदेव के रूप में उनके दर्शन करते थे। बाहर के व्यवहार से लगता था कि प्रभु दाम्भिक हैं। उनके विद्या बल को देखकर पाखंडी भी भयभीत हो जाते थे। प्रभु ने केवल व्याकरण शास्त्र का ही अध्ययन किया था, फिर भी वे भट्टाचार्य को तृण के समान भी नहीं समझते थे। अपनी मस्ती में प्रभु नगर भ्रमण करते थे और सभी सेवक गूढ़ रूप में उनके साथ साथ रहते थे। एक दिन सभी पाखंडी कहने लगे, निमाई पंडित, बहुत जल्दी तुम्हारे लिए राजा का आदेश आ रहा है। कौन सा राजा? मुसलमान राजा। तो मुसलमान का प्रॉब्लम आज नहीं, महाप्रभु उसने भी था, है ना? यवन राजा, यहाँ यवन बोला गया। बहुत जल्दी राजा का आदेश आ रहा है, तुम रात को छिपकर कीर्तन करते हो, हैं? जो लोग इसे देख नहीं पाते हैं वे हर पल तुम्हें कोसते रहते हैं। लोगों का कोसना मिथ्या नहीं है, उसी का फल अब तुमको मिलने वाला है। कंप्लेन जा रहा है राजा के पास, हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं इसलिए तेरे को सब कुछ बता दिया। ये कंप्लेन जा चुका है। प्रभु बोले, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, मैं चाहता हूँ कि कंप्लेन जाए। महाप्रभु बोले, मैं चाहता हूँ कंप्लेन जाए, मैं चाहता हूँ कि ये सब वचन सच हो जाए। राज दर्शन के लिए मेरी भी इच्छा है, मैं भी राजा का दर्शन एक बार करना चाहता हूँ। कम उम्र में मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, बच्चा समझकर कोई मुझे मान्यता ही नहीं देता है। ऐसा कोई एक भी मुझे मिलता नहीं जो मुझे ढूंढे। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई मुझे ढूंढे। पाखंड बोले, राजा कीर्तन सुनेगा? तुम्हारा कीर्तन सुनने आएगा राजा? तुम ये सोच रहे हो, आएगा तो तुमको पकड़ के ले जाने के लिए आएगा, कीर्तन नहीं सुनने आएगा? राजा यवन है, धर्मशास्त्र में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। बोलते थे, मैंने बहुत किताब पढ़ा है, कोई आए मैं सुनाऊँ उसको। तुमको राजा इसलिए थोड़े आएगा तुमको ढूंढ के। महाप्रभु पाखंडियों के तीन के समाज ही नहीं समझते थे। उनकी यह बात सुनकर महाप्रभु अपने घर चले जाते थे। प्रभु कहने लगे, आज पाखंडियों के साथ संभाषण हुआ है। कहते थे क्या? आज पाखंडियों के साथ संभाषण हुआ है, सभी मिलकर संकीर्तन करो ताकि संभाषण जन्य दुख दूर हो जाए। तो आपको प्रीचिंग में कभी दुख होता है या किसी भी चीज़ में कोई दुख होता है, है ना? किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट में दुख होता है, किसी भी महाप्रभु का फॉर्मूला बनाने क्या करने से दूर हो जाता है? कीर्तन जन्य कीर्तन, महाप्रभु नित्य करते थे, कीर्तन करते थे, संकीर्तन, तो सारा दुख दूर हो जाता था। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि संकीर्तन में नाचो, कीर्तन करो आराम से, है बहुत पावरफुल है। चारों ओर से उनको घेर कर सभी अनुचर भी कीर्तन करने लगे। नित्य के समय रुक रुक कर प्रभु कह रहे थे, अरे भाइयों, आज मुझे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्या नगर में पाखंडियों के साथ संभाषण करने के कारण मेरा प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं पाखंडियों से आज मैंने इतना बात कर लिया इसके कारण बहस हो गया, आर्गुमेंटेशन?
अथवा मैंने कहीं तुम लोगों का कोई अपमान तो नहीं किया है? यदि ऐसा हुआ है तो अपराध क्षमा करके मेरे प्राणों को बचा लो। महापात्र अद्वैत भ्रिकुटी पूर्वक नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे, प्रेम कैसे मिलेगा, नाड़ा ने सबका शोषण कर लिया है, मुझे प्रेम नहीं मिलता, श्रीवास को भी नहीं मिलता, और तेली माली के साथ आप प्रेम विलास रचाते हो। समझ रहे बात को? मतलब बोल रहे हैं कि हम लोग को प्रेम नहीं दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं इधर उधर, तेली को बांट देते हैं, माली को बांट देते हैं। आप समझ रहे बात को? समझ में आए? माली को नहीं बांट देते थे सुदामा माली, मार्केट में जाकर माली को नहीं दिए थे? अद्भुत, आपके प्रेम का दास बन गया तथा मैं और पंडित श्रीवास बाहर खड़े खड़े देखते रह गए। नित्यानंद प्रभु को बोल रही है, देखिए इसको सब मिल गया और हम लोग बाहर ही खड़े खड़े रह गए, देखते रह गए, कुछ मिला ही नहीं ना? हम सब तो प्रेम के अधिकारी नहीं बन पाए, किंतु अवधूत देखिए बाद में आया, नवदीप हैं, आकर प्रेम का भंडारी बन गया। हम पहले से यही हैं, हम भिखारी रह गए। हे गोसाई, यदि आप मुझ पर प्रेम योग प्रदान नहीं करेंगे ना, तो मैं सारे प्रेम का शोषण कर लूँगा और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो वहाँ पर वो बोले ना, मतलब मेरे को आज प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है हृदय में, तो अरे मैं ये शोषण कर लेता हूँ, सब आपका कर लूँगा। आचार्य महाप्रभु के प्रेम में मत थे, वे क्या कह रहे थे क्या कह रहे थे इसका कुछ भी स्मरण उन्हें नहीं था। हर अवस्था में कृष्ण अपने भक्तों की महिमा बढ़ाया करते हैं, भक्तगण उन्हें जहाँ भी बेचते हैं वे वहीं बिक जाते हैं। जो भक्ति के प्रभाव से कृष्ण को बेच सकते हैं, वे ऐसे विचित्र वाक्यों का उच्चारण करें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गौरचंद्र नाना प्रकार से भक्तों को ऊंचा स्थान दिलाते हैं, उनके अनुग्रह और दंड को कौन समझ सकता है। इधर प्रेम सुख न मिलने के कारण ठाकुर विषादग्रस्त थे और इधर हाथों से ताली बजा बजा कर अद्वैत मस्त होकर नृत्य कर रहे थे। भगवान दुखी थे, अद्वैताचार्य हाथ से ताली बजा। अद्वैत की बात सुनकर प्रभु विश्वंभर ने प्रत्युत्तर में और कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोलकर प्रभु ने दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद एवं हरिदास भी उनके पीछे दौड़ने लगे। इस प्रेम रहित शरीर को बचाए रखने से क्या प्रयोजन। हरे कृष्णा, आइए बैठिए। हरे कृष्णा, ठीक है। इस प्रेम रहित शरीर को तो नित्यानंद हरिदास भी उनके पीछे दौड़ने लगे। किसके पीछे? महाप्रभु के पीछे। इस प्रेम रहित शरीर को बचाए रखने से क्या प्रयोजन, क्यों भाग रहे हैं? गंगा जी में कूद के सुसाइड, अरे प्रेम ही नहीं आ रहा है तो क्या जीने क्या फायदा। क्यों ना वाछाई प्राण कि सुख पाइया, रतनदास ठाकुर कहते हैं, है ना। यह सोचकर प्रभु ने कि इस प्रेम रहित शरीर को बचाए रखने से क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, यह सोचकर प्रभु ने जाह्नवी गंगा में छलांग लगा दी। गंगा में छलांग लगा दी, गंगा में ठाकुर ने छलांग लगाई और उनके पीछे नित्यानंद और हरिदास ने भी छलांग लगा दी। व्यस्त होकर फुर्ती से नित्यानंद ने उनकी केश राशि पकड़ी और हरिदास ने श्री चरणों को थामा। दोनों जने प्रभु को पकड़कर और उठाकर तट पर ले आए। प्रभु ने कहा, तुम दोनों ने किसको पकड़ा, प्रेम रहित जीवन को बचाए रखने से क्या लाभ है। तुम दोनों ने किसको पकड़ा? दोनों जनों में महाकंप होने लगा, दोनों चिंता करने लगे कि न जाने आज क्या फल मिलने वाला है।
नित्यानंद की ओर देखकर गौरचंद्र बोले, तुमने मेरी केश राशि क्यों पकड़ी? बाल पकड़ लिए थे ना। नित्यानंद बोले, आप मरने को क्यों जा रहे थे? प्रभु बोले, मैं जानता हूँ कि तुम परम विह्वल हो। नित्यानंद बोले, प्रभु सब क्षमा करें, जिसे आप हर प्रकार से दंडित करने में समर्थ हैं उसके लिए, उसी के लिए आप अपना शरीर त्यागने को चल दिए। अभिमानी होकर सेवकों ने कुछ कह दिया तो क्या इस कारण प्रभु भृत्यों का जीवन ले लेंगे? चैतन्य जिनके प्राण धन और बंधु सब कुछ हैं, उन प्रेम में नित्यानंद की आंखों से प्रेम जल बहने लगा। प्रभु बोले, नित्यानंद और हरिदास सुनो, मेरे बारे में किसी को नहीं कहना, ऐसा कहना कि तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा। यह मेरा आदेश है, आज मैं छिपकर यहीं रह जाऊंगा। जाके बोल देना कि देखा नहीं हमने, मैं यहीं छुप जाता हूँ, और वापस तुम लोग जाओ और जाके बोल देना कि हमने देखा नहीं, कुछ लीला कर रहे हैं। यदि किसी को भी तुम लोगों ने बता दिया तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। इतना कहकर प्रभु नंदन आचार्य के घर चले गए। प्रभु के आदेश के अनुसार इन दोनों ने भी उनके बारे में अपना मन मुंह बंद रखा। प्रभु के निवास स्थान के बारे में कुछ पता न मिलने पर सभी भक्तों का श्री कृष्ण आनंद का आवेश दुख में परिणत हो गया। परम वीरम में सभी क्रंदन करने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर अंतर की ज्वलन से सब दग्ध हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे सबके सिर के ऊपर वज्रपात हुआ है। अद्वैत आचार्य ने अपने आप को महाअपराधी समझा, और ये प्रभु अद्वैत आचार्य उन प्रभु श्री गौरहरि के विरह में घर जाकर उपवास करने लगे, है ना, क्योंकि चोरी तो वही करते थे। गौरांग के चरण रूपी धन को हृदय में बांधकर सभी भक्तजन अत्यंत विषादग्रस्त होकर अपने अपने घरों को चल दिए। ठाकुर गौरांग आचार्य नंदन के घर में चले आए और आकर विष्णु सिंहासन के ऊपर विराजित हो गए। परम मंगलमय प्रभु को घर में जाते आते देखकर नंदन आचार्य दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। नंदन आचार्य ने प्रभु को तुरंत नए कपड़े ला कर दिए। श्री सचिनंदन ने भीगे हुए वस्त्रों को बदल दिया। नंदन आचार्य ने प्रभु को दिव्य गंधयुक्त अर्घ्य दिया और उनके श्री अंगों को प्रसादी चंदन माला आदि से विभूषित किया। फिर कपूर युक्त तांबुल लाकर प्रभु के श्रीमुख में अर्पित किया। प्रभु ने भी भक्त द्वारा दिए गए द्रव्यों को आनंद सहित स्वीकार किया। नंदन आचार्य की सेवा से प्रभु अपना दुख भूल गए। सुकृतिवान नंदन आचार्य बैठकर प्रभु को तांदूल देने लगे। प्रभु बोले, नंदन आचार्य मेरी बात सुनो, आज तुम मुझे छिपा कर रखना। नंदन आचार्य ने कहा, प्रभु यह बड़ा कठिन काम है, इस संसार के भीतर आप कहाँ छिप पाएंगे? हृदयों में रहते हुए भी आप अपने को छिपा नहीं सके, भक्तों ने आपको वहां से प्रकाशित कर दिया है। क्षीर सिंधु में भी जो छिपे रहने में असमर्थ रहे, वे बाहरी समाज से कैसे अपने आप को छिपाए रखेंगे? एकांत में क्षीर सागर में बीच में जाके बैठते हैं, वहां भी लोग पहुंच जाते हैं, तो इस संसार में कहाँ छिपेंगे आप? नंदन आचार्य की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे। वह रात तो प्रभु ने नंदन आचार्य के घर में ही बिताई। भाग्यवान नंदन आचार्य ने ठाकुर के साथ अशेष कथाओं के आनंद में ही सारी रातें बिता दी। कृष्ण कथारस में पूरी रात एक क्षण की तरह बीत गई। प्रभु ने देखा कि सूर्य उदय हो चुका है। अद्वैत को दंड देने के पश्चात ठाकुर के मन में उनके लिए प्रचुर दया का उदय हुआ। दंड दिए ना अद्वैत आचार्य को, ऐसे कि भाई वो मेरे बार बार चरण धूलि ले लेता है। आप समझे बात को, इसके कारण क्या हो जाता है, मेरा भाव नहीं आ रहा है, समझे बात को, तो इसीलिए गुस्सा किए हैं कि अद्वैत को छुप जाऊंगा, है ना, तो अद्वैत को कष्ट होगा, तो आगे से कम नहीं करेगा। प्रभु को देखकर पंडित ठाकुर श्री हैं, प्रभु ने नंदन आचार्य की ओर देखकर उन्हें आज्ञा दी, अकेले श्रीवास पंडित को बुला लाओ। नंदन आचार्य तुरंत श्रीवास के घर गए और श्रीवास को साथ लेकर जहाँ प्रभु विराजमान थे वहीं आ गए।
प्रभु को देखकर पंडित ठाकुर श्रीवास प्रेम से रोने लगे। प्रभु बोले, मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो। दयावान होकर प्रभु ने अपने आप ही उनसे पूछा, आचार्य के बारे में बताओ, वे कैसे हैं? श्रीवास पंडित कहने लगे, ऊपर से समाचार और पूछ रहे हो प्रभु, ऊपर से समाचार और पूछ रहे हो। आचार्य ने तो कल से उपवास किया हुआ है प्रभु, रहने के नाम पर केवल उनकी देह मात्र रह गई है। कल से फास्टिंग कर रहे हैं, कुछ खाया नहीं। दर्शन देकर आप उन्हें कृतार्थ कर दीजिए प्रभु, दूसरा कोई होता तो क्या हम यह कष्ट सहन करते? हे प्रभु, हम सबका जीवन केवल आपके लिए ही है, आपके बिना जीवन बिताना हमारे लिए महादुखदायक है। यह कल हमने अनुभव किया कि इसका कारण क्या है। वचनों के अनुरूप आपने दंड प्रदान किया है, अब कृपया प्रसन्न बदन सहित हम सबको दर्शन दीजिए। कृपा में प्रभु, श्रीवास के वचनों को सुनकर और आचार्य के प्रति सदैव होकर उन्हें देखने के लिए चल पड़े। प्रभु ने जाकर देखा कि अद्वैत आचार्य मूर्छित पड़े हैं। यह देखकर प्रभु ने अपने आप को महाअपराधी जैसा समझा। जो अद्वैत आचार्य प्रभु कृपा से अहंकार में मस्त होकर इधर उधर घूमते रहते थे, वे आज प्रभु दंड से कांप रहे हैं। यह सब देखकर प्रभु दयावान होकर बोले, उठो आचार्य, देखो मैं विश्वंभर हूँ। लज्जा के कारण अद्वैत कुछ भी नहीं बोल पाए, बस प्रेम योग से हृदय में प्रभु के चरणों का चिंतन करते रहे। प्रभु ने एक बार फिर कहा, उठो आचार्य, चिंता मत करो, उठकर अपना काम करो। अद्वैत बोले, प्रभु आपने ही सब काम करवाया है। हे प्रभु, आप मुझे जो कुछ भी कहते हैं वह सब बाह्य है, आप मुझे निरंतर कुमति प्रदान करते रहते हैं, अहंकार देकर मेरी दुर्गति करते हो। आपने सभी को उत्तम दासे भाव प्रदान किया है और जितना भी क्रोध है वह सब मुझ पर सौंप दिया है। सबको दासे भाव देते हो, मेरे से आप क्रोध करते हो, मेरे को सेवा नहीं देते हो। सबको सेवा देते हो लेकिन मेरे को सेवा नहीं देते हो। आप ही सब कुछ करवाते हैं और आप ही दंड देते हैं। आप मुख से कुछ कहते हो तथा मन में कुछ करते हो। आप ही मेरे प्राण, धन, देह, मन सब कुछ हैं, फिर भी जो आप मुझे दुख देते हैं वह आपकी ठकुराई है। हे प्रभु, अब आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि मुझे दास्य भाव प्रदान करके दासी नंदन की भांति अपने चरणों में रख लीजिए। दासी नंदन मतलब श्रीवास ठाकुर, समझे बात को? नारद जी दासी पुत्र थे ना। श्री अद्वैत प्रभु ने कहा, सभी भक्तों को आपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है एवं मुझे बहिर्जगत में सम्मान प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया है। सम्मान देते थे ना उनको, तो उसका दुख है उनको कि सबको आप अपना सेवक मानते हो और मेरे को रिस्पेक्ट देते हो, इसी बात का दुख है, मुझे अपना सेवक नहीं मानते हैं। ऐसा होने के कारण मेरे द्वारा जो कुछ भी अवैध कार्य किया गया है उसके लिए मेरे प्रति जो दंड विधान हुआ है वह सब मेरे दुर्दैव का परिचायक है। मेरा सब कुछ ग्रहण करते हुए भी आपने मुझे जो दुख दिया है वह आपके वैभव का प्रसाद मात्र है। अब ऐसा न करके आप मुझे सदैव भृत्य बुद्धि से देखिए, यही मेरी प्रार्थना है। मुझे अपना भृत्य मानिए, गुरु बुद्धि नहीं, भृत्य बुद्धि बुद्धि लगाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। जिस प्रकार से ऐश्वर्य संपन्न गृह स्वामियों के घरों में दासी पुत्रगण निवास करते हैं, मुझे भी सदैव उसी प्रकार का सेवक समझिए, यही मेरी प्रार्थना है। अद्वैत का कथन सुनकर श्री गौर सुंदर सभी वैष्णवों के सामने अद्वैत से बोले, सुनो आचार्य, सुनो, मैं तुम्हें तत्व के बारे में बताता हूँ, इसे तुम व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में देखना। राजकर्मचारी जब राजा के निकट जाते हैं तब द्वारपाल, प्रहरीगण आदि उनके निकट निवेदन करते हैं। यदि महापात्र प्रधानमंत्री राजा के निकट निवेदन पूर्वक उन सब के लिए जीविका प्राप्त करके उनको देते हैं तो वे सब अपने परिवारीजनों के साथ जीवन धारण कर सकते हैं। जिस महापात्र के निकट वे प्रार्थना करते हैं राजा की आज्ञा होने पर उसी महापात्र को काट डालते हैं। राजा जिस महापात्र के हाथों में राज्य का सारा भार सौंप देता है अपराध होने पर उसी को अपने हाथों से दंड प्रदान करता है। इसी प्रकार कृष्ण महाराज राजेश्वर हैं, कर्ता हर्ता ब्रह्मा से उनके किंकर हैं, उन्हें सृष्टि आदि करने की शक्ति भी उन्होंने ही दी है। दंड प्रदान करने पर भी कोई कुछ नहीं कहता है,
रमा आदि शिव आदि को भी कृष्ण से दंड मिलता है, परंतु प्रभु सेवकों का दोष सदैव क्षमा कर देते हैं। अपराध देखकर कृष्ण जी से दंड प्रदान करते हैं, जन्म जन्म वह उनका दास बना रहता है, यह मैंने तुमको बता दिया है। अगर भगवान किसी को दंड देते हैं अपराध देखकर, तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना लिए हैं उसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।